About some self-grooming tips that every girl should know. तो बात स्टार्ट करते हैं रूम क्लीनिंग से. अब आप जिस भी रूम में रहते हो, आप सो के उठते हो तो अपने बेड को जल्दी से क्लीन कर लिया करो, बेडशीट सेट कर लिया करो और ब्लैंकेट को अच्छे से समेट के साइड पे रखा करो. इसके अलावा अगर आपको रूम में कोई भी डस्ट नज़र आ रही है, कोई भी रैपर, कुछ भी गंदगी नज़र आ रही है, तो आप फ़ौरन से उसको क्लीन कर लो, क्योंकि इंसान की हेल्थ पर उसके एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आप लोग का माइंड फ्रेश फील करेगा. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई एम अ हॉस्टलाइट, तो मेरी ये वीकली रूटीन है कि मैं हर वीक में अपनी बेडशीट जो है वो चेंज करती हूँ, और वीक में एक से दो दफ़ा मैं अपने रूम की अच्छी सी डीप क्लीनिंग भी करती हूँ. कोई भी अगर डस्ट मुझे नज़र आ रही हो, मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ फ़ौरन से. तो मुझे ये लगता है कि हर लड़की को ये आदत अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट का, अपने रूम का, अपने घर का ख्याल रखे, उसको साफ रखे. सो सेकेंड टिप इज़ ऑल अबाउट योर हैंड्स एंड योर नेल्स. मैंने पर्सनली बहुत सी गर्ल्स को देखा है कि उनके हाथ बिल्कुल भी साफ नहीं होते, स्पेशली उनके नेल्स जो हैं बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं. मतलब उनकी कोई शेप नहीं होती है और वैसे भी वो बहुत डस्टी और अजीब से हुए होते हैं. तो इसके लिए आपके पास ये टूल्स होना बहुत ज़रूरी हैं, एक तो नेल फाइलर और एक नेल बफर. और नेल पेंट रिमूविंग के लिए आप लोग के पास नेल पेंट रिमूवर वाइप्स होने चाहिए, या फिर नेल पेंट रिमूवर लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है तो वो भी आप लोग ले सकते हो. ये नेल पेंट वाइप्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग परचेज़ कर लो. इसको आप लोग सिर्फ नेल पेंट रिमूविंग के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कोई डस्ट लगी होती है नेल्स को, बहुत गंदे और डस्टी हुए होते हैं, तो आप लोग वो भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो. अब बात कर लेते हैं इस टूल की. इसको कहते हैं नेल फाइलर. मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि नेल फाइलर क्या होता है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली इस टूल को नेल्स को शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है. आप लोग जो भी नेल्स को शेप देना चाहो इसे दे सकते हो, स्क्वायर में दे सकते हो, राउंड में दे सकते हो, जो भी आप शेप चाहते हो आप लोग दे सकते हो इसे. तो प्लीज़ इस टूल को यूज़ करो और अपने हाथों का ख्याल रखो और अपने नेल्स को शेप दो. तो अब बात कर लेते हैं स्किन केयर की. अच्छा, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो स्किन केयर नहीं करती. मैं पर्सनली खुद भी जब अवेयर नहीं थी स्किन केयर के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं भी तब नहीं करती थी. लेकिन जब मुझे पता लगा, मैंने इसको स्टार्ट किया यूज़ करना और आदत बनाई, तो अब मैं इसे बिना रह नहीं पाती. तो आप लोग भी मेक श्योर करो कि आप लोग अपनी स्किन का ख्याल करो और जो भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स सूट करते हैं वो आप लोग यूज़ किया करो. मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन जो है उसके लिए अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है. गाइज, मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी अटैच कर दूँगी, आप लोग देखना चाहो डिटेल वीडियो तो देख सकते हो. सो प्लीज़ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं कंसिस्टेंटली यूज़ किया करें, और मॉर्निंग रूटीन भी होनी चाहिए, नाइट रूटीन भी होनी चाहिए, वीकली रूटीन भी होनी चाहिए और मंथली रूटीन भी होनी चाहिए. डेली रूटीन में मेक श्योर किया करें कि आप कोई भी सीरम अप्लाई करें अपने फेस पे, और एक सनस्क्रीन भी लाजमी अप्लाई करें अपने फेस पे डेली बेसिस पे. इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी स्किन जो है फ्रेश फील करेगी और मॉइस्चराइज रहेगी पूरा दिन. इसके साथ आप लोग की नाइट टाइम स्किन केयर भी होनी चाहिए, जिसमें आप लोग अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो उसको अच्छे से रिमूव करो, उसके बाद अपना फेस अच्छे से क्लेंस करके, फेस वॉश करके और अच्छा सा सीरम अप्लाई करके जो आपकी स्किन को सूट करता है वो यूज़ करो. सो इन शॉर्ट, स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो डोंट स्किप इट. टिप नंबर 3 इज़ अबाउट योर हेयर. तो आप लोग जब भी शॉवर लेने जाते हो उससे पहले मेक श्योर किया करो 3 घंटे पहले ऑयलिंग लाजमी कर लिया करो, या फिर अगर आप लोग रात को ऑयलिंग करना चाहते हो तो रात को भी कर सकते हो और दिन को आप लोग उठ के शॉवर ले लो. ऑयलिंग को बहुत सी गर्ल्स सीरियस नहीं लेती और मैं हैरान होती हूँ कि मतलब कैसे पूरा मंथ जो है वो ऑयलिंग के बिना जो है वो ऐसे ही शॉवर ले रही होती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सीरियस लिया करो. तो अब बात कर लेते हैं ऑयली और ग्रीसी हेयर की. अगर आप लोगों को ऑयली स्कैल्प और ग्रीसी स्कैल्प का प्रॉब्लम है तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, बट कुछ हैक्स भी हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो. आप लोग ड्राई शैम्पू ले लो, इसके अलावा अगर ड्राई शैम्पू अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप लोग कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो. आप लोग यूनी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी हुए हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है. सो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर किया करो कि आपके बाल जो हैं हमेशा फ्रेश रहें, जहाँ भी जाओ फ्रेश रहें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है और आप लोग प्रेजेंटेबल भी लगते हो. तो अब हम बात कर लेते हैं फेशियल हेयर की और ब्लैक हेड्स रिमूवल की. इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं. फेशियल हेयर रिमूवल के लिए आप लोग ये टिंकल रेजर यूज़ कर सकते हो, आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम भी सुना होगा. और ब्लैक हेड रिमूवल के लिए इस तरह का टूल आता है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हो.
अच्छा, इन दोनों चीज़ों को भी रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहीं भी जाते हो, आपके फेस पे अगर ब्लैक हेड शो हो रहे हैं, आपके नोज़ एरिया पे ज़्यादा आते हैं, तो अगर वो शो हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बैड फील होता है और बाकी लोग आप लोग को नोटिस कर रहे होते हैं। ब्लैक हेड रिमूवल के लिए आप लोग टूल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोग को मास्क दिखा रही हूँ, शायद मैंने आप लोग को पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया होगा। तो ये रिवाज कंपनी का ब्लैक हेड मास्क है, इसके सैचेट्स पे मिलते हैं और पूरा बॉक्स भी मिलता है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप लोग परचेज करो। और दूसरा मेथड इसका ये है, आप लोग टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये शॉवर जेल्स हैं, ये प्रोडक्ट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी आप शॉवर लो तो इनको लाजमी यूज़ करो। इसको यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि आपकी जो ड्राइनेस होती है बॉडी पे वो रिमूव हो जाती है, आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, और सबसे मेन चीज़ जो है आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आती, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आप लोग इसको यूज़ कर लो शॉवर में तो सारा दिन आपके बॉडी से जो है वो फ्रेग्रेंस आती ही रहती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि हर इंसान के पास, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके पास ये होना चाहिए। दिस इज़ निविया रोल ऑन, ठीक है। इसको आप लोग अंडर आर्म्स एरिया में अप्लाई करते हो और इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस होती है, और आपके ये स्मेली ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करती है। और ये मैंने एक न्यू प्रोडक्ट जो है रिसेंटली परचेज़ किया है, और ये भी आपके अंडर आर्म्स एरिया और प्राइवेट पार्ट्स के लिए है, आप लोग वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऑर्डर को कंट्रोल करता है। और गाइज़, ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं। आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग जहाँ भी जाते हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी या ऑफिस, आप लोग को वहाँ जाके लोगों से मिलना होता है, सबसे बात करनी होती है, और अगर आप लोगों से स्मेल आ रही हो उस टाइम, तो कितनी एम्बैरेसमेंट वाली बात होती है कि सब आपसे दूर दूर भाग रहे होते हैं। सो प्लीज़ गाइस, इस चीज़ को सीरियसली लो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं आपकी लाइफ में। तो मेकअप रिमूव करने के लिए आप लोगों को स्पेशल प्रोडक्ट्स लेनी पड़ती हैं, और कुछ गर्ल्स होती हैं जो कहीं पार्टी वगैरह से आती हैं तो उनका मेकअप वैसे ही लगा होता है, वो ऐसे ही सो जाती हैं, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेकअप रिमूविंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप लोग लिक्विड में भी ले सकते हो, आप लोग वाइप्स भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास ये लिक्विड में है गार्नियर का, और 2 ईयर्स हो गए हैं इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये कॉटन पैड्स होते हैं, इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेस। अच्छा, परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक्सपेंसिव बॉटल्स ही लो, आप लोग रीजनेबल भी ले सकते हो। मेरे पास जो कलेक्शन है वो आपके सामने है। एक मेरे पास उरुसा परफ्यूम है, ये मैंने जे डॉट से रिसेंटली परचेज किया था, और ये मुझे अराउंड 2900 का पड़ा था। इसके अलावा 2-3 और परफ्यूम्स आपके सामने हैं, और कुछ बॉडी स्प्रेज हैं, तो आप लोग मेक श्योर किया करो कि अगर आप लोग परफ्यूम्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप लोग बॉडी स्प्रेज रीजनेबल प्राइसेस में ले लो, या फिर परफ्यूम्स भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते तो आप लोग रीजनेबल परफ्यूम्स अपने पास लाजमी रखो और उनको यूज़ करो। तो अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, और आप लोग अपने हैंड एंड फीट्स पर इसको डेली बेसिस पर यूज़ किया करो। आजकल तो वैसे भी विंटर सीजन है, और विंटर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये यूज़ करना। तो आप लोग बाहर जा रहे हो, या फिर घर पर हो, या फिर सोने लगे हो, तो हर वक्त आपके स्किन पर ये लगा हुआ होना चाहिए। अब आपके सामने ये हेयर सीरम्स हैं। जब भी हम लोग शॉवर लेते हैं तो हमारे बाल बहुत से फ्रिजी हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप लोग ये हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास 3 डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग चाहो तो ये परचेज़ कर लो, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसको अप्लाई करने के बाद आपके हेयर में एक अलग सी शाइन आती है, और आपके हेयर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं। जिस तरह हमारी स्किन को लोशन और मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, उस तरह हमारे हेयर को भी ज़रूरत होती है, तो आप लोग ये भी लाजमी यूज़ किया करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी एंड क्लीन टीथ्स। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगी, बट स्टिल बहुत से अभी भी लोग हैं जो इसको भी स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपको डेली बेसिस पे जो है अपने टीथ साफ़ करने चाहिए। बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके माउथ से स्मेल आ रही होती है, बट आप लोग फिर भी डेली बेसिस पे अपने टीथ रेगुलरली साफ़ किया करो, क्योंकि हमने बातचीत तो सबके साथ, कम्युनिकेट तो सबके साथ ही करना होता है डेली बेसिस पर। तो इस चीज़ को मेक श्योर किया करो कि आप लोग के दांत जो है वो बिल्कुल साफ़ हों, आपको माउथ से बिल्कुल भी स्मेल ना आ रही हो, कि दूसरे आप लोगों से डिस्टर्ब ना हो। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें।
सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग अपनी डाइट का भी ख्याल रखा करें. मुझे इंस्टा पे बहुत से डीएम्स आ रहे होते हैं कि आप जो जूस पीती हैं उसके बारे में हमें बता दें. तो अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए आप लोग को अच्छी जूस और अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए. तो ये जूस मैं आजकल जो पी रही हूँ, ये ऑर्बेका जूस है और ये बनता है ऑरेंज, कैरेट और बीटरूट से. इस जूस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो ये कि आपकी ब्लड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है और आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहती है. इससे आप लोग इसको पी के फ्रेश फील करते हो और आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी हद तक इसको पी के सेट रहता है और आपकी स्किन जो है वो भी हेल्दी रहती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हो. सो गाइज, ये थी आज की वीडियो. आई होप कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल रही होगी. आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.